अडानी ग्रुप को लेकर फिर एक बड़ी खबर सामने आई है। ग्रुप की बड़ी कंपनियों में से एक अडानी इंटरप्राइजेस ने बड़ा फैसला लिया है। कंपनी की सब्सिडियरी अडानी डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने 29.81% हिस्सेदारी स्टार्क एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड में खरीद ली है, जिसका सीधा असर शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। अडानी इंटरप्राइजेस का पिछले कुछ महीनों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में इसका शेयर 0.5% गिर गया और एक महीने के अंदर 3% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं 3 महीने की बात करें तो शेयर में 35% का उछाल देखा गया और 3 साल में इसका शेयर 1315% बढ़ा है। कुल मिलाकर 3 साल और 3 महीने के हिसाब से अडानी इंटरप्राइजेस शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब कंपनी की सब्सिडियरी अडानी डिजिटल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने 29.81% हिस्सेदारी स्टार्क एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड में खरीद ली है। इसका असर भी आने वाले दिनों में बाजार को देखने को मिलेगा। खासकर अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर में उठापटक हो सकती है, जिसको लेकर बाजार में नई हलचल की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अडानी ग्रुप को लेकर एक और बड़ी खबर है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बोर्ड बैठक में QIP के जरिए रकम जुटाने पर फैसला लिया है। कंपनी की 150 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 12,300 करोड़ जुटाने की योजना है। इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। खबर यह है कि अडानी ग्रुप ने बिना कर्ज बोझ बनाए फंड जुटाने के लिए खास रणनीति अपना रही है। सूत्रों के हवाले से खबर दी गई कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर आने वाले महीनों में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को और घटा सकते हैं। रणनीति के मुताबिक इसका हिस्सा बिक्री से कंपनियों के पास जरूरी लिक्विडिटी आएगी और उसकी मदद से वे नए मौकों का फायदा उठा सकेंगे। गौतम अडानी की बात करें तो अडानी ने दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में जोरदार कमबैक किया है। नेटवर्थ में हुए इजाफे के चलते उन्होंने पिछले दिनों में 4 पायदान की छलांग लगाते हुए फिर से टॉप 20 में एंट्री ले ली। दिग्गज निवेशक GQG पार्टनर्स के राजीव जैन ने एक बार फिर अडानी की कंपनियों में निवेश का असर भी देखने को मिला है। पिछले दिनों के ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक 2.17 अरब डॉलर के इजाफे के साथ अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ बढ़कर अब 61.4 अरब डॉलर हो गई है। इस आंकड़े के साथ अडानी टॉप 20 बिलियनर्स लिस्ट में 19वें पायदान पर पहुंच गए। बता दें, इस साल अडानी की संपत्ति में साल की शुरुआत में ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। दौलत गंवाने के मामले में वे इस साल अब तक सबसे आगे रहे हैं और उनकी नेटवर्थ में 59.1 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है। गौतम अडानी की संपत्ति में गिरावट का सिलसिला 24 जनवरी 2023 के बाद शुरू हुआ था। दरअसल इसी तारीख को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में शेयरों में हेर फेर और कर्ज से संबंधित 88 गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद अडानी की तमाम कंपनियों के शेयरों में सुनामी आ गई थी और हर बीतते दिन के साथ उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि अब गौतम अडानी हिंडनबर्ग के असर से उबरते हुए कमबैक करते नजर आ रहे हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।